इन्फॉर्मेशन है तो इसको थोड़ा सा ठीक कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इस व्यू के साथ साथ मैं आप लोगों को थैंक्स भी कहना चाहती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रॉम नैनीताल। कैसे हैं आप लोग? और आप सबका स्वागत है, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है 23 जनवरी और दिन है मंडे का। और मैं तो भूल गई थी, लेकिन एक सब्सक्राइबर हैं हमारे, आलोक पांडे जी, उन्होंने बताया, मुझे याद दिलाया कि लास्ट ईयर मैंने आज ही के दिन से व्लॉगिंग शुरू की थी। तो मेरा जो पहला वीडियो था, मेरा जो पहला व्लॉग था, वो आज ही के दिन आया था, 23 जनवरी को। लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी और आज आप देख सकते हैं नैनीताल का मौसम कुछ इस तरह का है। दिन में यहाँ काफ़ी तेज़ धूप थी, लेकिन अभी जैसा कि आप देख सकते हैं बादल छाने लगे हैं। और जैसा कि प्रशासन के द्वारा अलर्ट घोषित किया गया है बर्फ़बारी का, सॉरी, तो 2 दिन का काफ़ी हाई अलर्ट है, 24 और 25 तारीख का। तो देखिए, मौसम तो बनने लगा है, थोड़ा ख़राब होने लगा है मौसम। तो उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छी और हैवी स्नोफॉल देखने को मिले। तो काफ़ी टाइम से हमको वेट है स्नोफॉल का, देखते हैं कितना होता है कितना नहीं। तो चलिए, साथ में बने रहिए और फिर आगे देखते हैं आज क्या वीडियो मिलता है और क्या बनता है। तो चलिए, चलते हैं नीचे की तरफ और देखते हैं शहर में आज क्या क्या खास हो रहा है। तो चलिए, साथ में बने रहिए। तो नीचे उतरने से पहले आपको बादल दिखा देती हूँ। तो अभी अभी इस तरह का कुछ चेंज आ गया है और ये बड़े सुंदर लग रहे हैं वैसे तो, बादलों की लेयर्स। तो देखते हैं कल तक कैसा मौसम होता है। तो फ्रेंड्स, ये है मार्केट की बैक साइड और मैं नीचे तो उतर गई हूँ, लेकिन आज मार्केट वाली साइड से नहीं आई हूँ। तो ये मार्केट की बैक साइड है, जो कि रोड, हाईकोर्ट वाली रोड है। यहाँ से ये रोड वन वे है, तो आप यहाँ से नीचे उतर सकते हैं और ऊपर जाने के लिए आपको मेट्रोपोल वाली रोड से जाना पड़ेगा। तो चलिए, फ़िलहाल हम नीचे चलते हैं और नीचे देखते हैं कितनी भीड़ भाड़ है। तो देखिए, सामने दिखाई दे रहा है ओपन थिएटर, BM शाह ओपन थिएटर। तो यहाँ पे भी बहुत जल्द कुछ प्रोग्राम हम लोग प्लान कर रहे हैं और करेंगे, लेकिन अभी जो हमारा प्रोग्राम है वो 29 जनवरी को होने वाला है, ओपन माइक परफॉर्मेंस। तो उसमें कुछ एंट्रीज तो आ चुकी हैं और अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो कर सकता है, मैं लिंक आपको दे दूंगी। और ये देखिए, फ़िलहाल नैनीताल की इस तरह की कुछ हालात हैं। भीड़ भाड़ थोड़ा यहाँ पे तो कम दिखाई दे रही है, नीचे देखते हैं कितनी है। और अभी बस मुझे ये टेंशन है कि 29th को बहुत ज़्यादा बारिश या फिर स्नोफॉल ना हो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये प्रोग्राम प्लान हुआ है, अभी हो जाए बस, निपट जाए अच्छे से और आर्टिस्ट जितने आए उनको मौका मिले परफॉर्म करने का। एक प्लेटफॉर्म हम लोग देना चाहते हैं, हमेशा हमारी यही कोशिश रहती है कि आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म दे सकें। तो देखिए कितनी कामयाब होती है कोशिश। तो प्रे कीजिएगा हमारा प्रोग्राम अच्छा अच्छा हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ नीचे पनपाक वाली साइड पे और ये देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरह का भीड़ भाड़ है, थोड़ा बहुत यहाँ पे चहल पहल दिखाई दे रही है। तो देखिए, 6 बज चुका है, ये रास्ता बंद हो चुका है, वन वे हो जाता है, क्योंकि शाम को, जैसा कि आपको पता ही है, हम दिखाते रहते हैं वीडियो में। और इधर देखिए, बहुत ही बढ़िया आग की व्यवस्था करी हुई है। तो मैं वहाँ पे जाके आपको एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ, तो पहले वहाँ जाती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये बोर्ड्स जो मैंने आपको एक दिन दिखाए थे कि इसमें गलत इन्फॉर्मेशन है, तो इसको थोड़ा सा ठीक कर दिया गया है। तो माल रोड और तलीताल बस स्टैंड, ज़ू, ये साइड पे एरोज़ बना दिए गए हैं, जो कि पहले सारे ऊपर की तरफ जा रहे थे, तो वो पता नहीं कहाँ ऊपर भेज रहे थे सबको। फ़िलहाल नैना देवी मंदिर और गुरुद्वारा और ठंडी सड़क का साइन अभी भी ऊपर की तरफ है, हालांकि ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए था, लेकिन फ़िलहाल अभी ऊपर ही की तरफ है। और ज़ू और तलीताल बस स्टैंड वाला जो एरो था वो चेंज हो गया है। तो इसके लिए थैंक यू है प्रशासन को, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को, कि उन्होंने इतनी सुध ली कि ये बोर्ड्स जो हैं, ये जो गुमराह कर रहे थे उसको ठीक किया है। लेकिन अभी भी ये जो गुरुद्वारा ऊपर को दिखा रहे हैं, मंदिर भी ऊपर को दिखा रहे हैं, ये पता नहीं कहाँ जा रहा है फ़िलहाल। और इधर देखिए, यहाँ पे अलाव जला है, आग की व्यवस्था की गई है, क्योंकि ठंड का टाइम है, मौसम ख़राब हो रहा है। वैसे इस टाइम पे ठंड थोड़ी सी कम हो गई है क्योंकि मौसम ख़राब है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग आग सेकने का मज़ा ले रहे हैं, बिल्कुल पुलिस चौकी जो है उसके बाहर ही अलाव की व्यवस्था की गई है, और बड़ा अच्छा लग रहा है देख के।
कि लोगों के लिए ये व्यवस्था है ताकि ठंड से बचाया जा सके उन्हें। तो देखिए चहल पहल ऐसी है, लेकिन सीज़न इस टाइम बिल्कुल कम है, बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा आगे जाके मैं दिखाती हूँ आपको, फिर चलते हैं फ्लैट्स की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉल रोड में, बिल्कुल मैं मॉल रोड की शुरुआत में हूँ, जहाँ पे अशोक रेस्टोरेंट है, ढाबा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भीड़ बहुत कम है इस टाइम पे, क्योंकि अभी स्कूटर वाला यहाँ से हटे तो बात करूँ। हाँ, तो चलिए देखिए, भीड़ कम है क्योंकि इस टाइम पे सीज़न एक्टिविटी बहुत, सॉरी टूरिस्ट एक्टिविटी बहुत कम है। सीज़न बिल्कुल डाउन हो चुका है अभी, और अभी जब थोड़ा बहुत स्नोफॉल होगा, बर्फबारी होगी, तभी कुछ उम्मीद है अच्छे सीज़न की। वैसे स्नोफॉल के चांसेस कल से बता रखे हैं, तो वो देखते हैं कितना सच निकलता है। और क्योंकि हम तो वेट कर ही रहे हैं स्नोफॉल का, तो हमको बहुत ज़्यादा इंतज़ार है कि बर्फ़ पड़े और हम आपको बर्फ़ के नज़ारे दिखा सकें। तो फ़िलहाल देख सकते हैं आप इस तरह का कुछ हो रहा है मॉल रोड में। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा आगे तो मैं नहीं जाने वाली हूँ, बस यहीं से मैं लौटूंगी। तो बस इतना है कि मॉल रोड खाली खाली सी है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, टूरिस्ट कम है बहुत। तो इस टाइम अगर कोई नैनीताल घूमना चाहता है तो वो ईज़िली आ सकता है। अभी हो सकता है 26th वाले टाइम पर थोड़ा सा भीड़ भाड़ हो जाए, लेकिन फ़िलहाल अभी भीड़ नहीं है। तो अभी आपको होटल्स भी बहुत मिनिमल रेट पे मिल जाएंगे, और अच्छे होटल्स मिल जाएंगे, तो 1000-1500 की रेंज में इजीली। तो देखिए ये है कुछ इस तरह का व्यू इस टाइम का। तो अभी लगभग 6:15 हो रहा है, और ऐसा समय है, और मौसम थोड़ा सा ख़राब सा होने लगा है। तो देखते हैं कल किस तरह का मौसम रहता है। और बहुत ही छोटा सा एक मून मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब एक ही मून है लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए पेड़ों के बीच में से, हालांकि क्लियर नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे कहीं पे, तो बड़ा सुंदर लग रहा है इस टाइम पे। तो फ़ोन में तो इतना अच्छा कैप्चर नहीं हो रहा जितना अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए फड़ उठने लगे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा जहाँ पे जा रही हूँ स्कूटी वाले क्यों इतना शोर करने लग जा रहे हैं। तो ये बड़ा अजीब सा हो रहा है, आवाज़ मेरी दब जा रही होगी स्कूटी की आवाज़ से। तो फ़िलहाल देखिए फड़ उठने लगे हैं, फड़ उठने का टाइम हो चुका है, तो हम चलते हैं फ्लैट्स की तरफ आगे और थोड़ा। तो ये व्यू बड़ा सुंदर लग रहा है, देखिए सामने बड़ा पिंकिश सा स्काई हो रहा है, और साथ में रिफ्लेक्शंस बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, बोट स्टैंड के ऊपर हूँ मैं, और कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो आप लेक को किसी भी टाइम देखेंगे ना, वो खूबसूरत ही लगेगी। दिन में इसकी अलग ब्यूटी होती है, शाम को अलग, और इस टाइम तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो मैं जैसा हमेशा बोलती हूँ ना, फ़ोन से इतना अच्छा कैप्चर नहीं हो पाता जितना अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन वाकई में बहुत सुंदर लग रहा है। तो आप भी नज़ारे को इन्जॉय कीजिए, बहुत ही सुंदर लग रहा है। फ्रेंड्स, इस व्यू के साथ साथ मैं आप लोगों को थैंक्स भी कहना चाहती हूँ, एक साल से आप लोग झेल रहे हैं, और ऐसे ही आगे झेलते रहिए प्लीज़, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, थैंक यू सो मच। तो देखिए मेरा पहला व्लॉग जो था वो 23 जनवरी को ही आया था पिछले साल, काफ़ी बर्फ़बारी में। तो उसको भी आप देखिएगा, माई फर्स्ट व्लॉग जो आया था मेरा हैवी स्नोफॉल के साथ, वो भी देखिएगा, और ऐसे ही आगे सपोर्ट करते रहिएगा। बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का इतना प्यार और इतना साथ देने के लिए, ऐसे ही प्यार और साथ आगे बनाए रखिएगा। तो थैंक यू सो मच फिर से। तो फ्रेंड्स, दिन में तो मैंने काफ़ी दिनों से देखा नहीं नैनीताल में नीचे क्या क्या हो रहा है। तो ये देखिए सामने बहुत सारे फ्लैग्स दिखाई दे रहे होंगे आपको, तो ये 26 जनवरी की तैयारी चल रही है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रोग्राम होने वाला है 26 जनवरी के दिन, तो हो सकेगा तो उसे भी कवर करेंगे। और ये देखिए बड़े अच्छे लग रहे हैं लहराते हुए फ्लैग्स, कलरफुल से, और पूरे फ्लैट्स में लगे हुए हैं। यहाँ पे मार्च पास्ट होती है जहाँ पे, और देख सकते हैं बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे फुटबॉल। अभी देखिए पिंक स्काई सामने फिर से। तो मैं बिल्कुल गुरुद्वारे के सामने हूँ, और अंदर चल रहा है पाठ। तो ये देखिए,
तो फ्रेंड्स, गुरुद्वारे के बाद मैं मंदिर भी आ गई हूँ और दर्शन कर लेती हूँ मंदिर के, क्योंकि आज मेरा फास्ट भी है। और देखिए, साफ साफ लिखा है मर्यादित एवं शालीन वस्त्रों में ही प्रवेश करें। तो आप सबसे विनती है कि इसी तरह से मंदिर में प्रवेश करें, अपनी संस्कृति को बनाए रखें। तो अंदर चलते हैं, दर्शन करवाती हूँ आपको भी। तो आप भी मेरे साथ मंदिर के दर्शन कर लीजिए दूर दूर से। तो ये है मुख्य मंदिर और सामने हैं भोले बाबा। तो बहुत कम लोग हैं मंदिर में इस टाइम पे, क्योंकि टूरिस्ट वैसे भी नहीं है शहर में। तो चलिए, भाभी की दुकान की तरफ चलते हैं। अभी लाइव जाना है अमित जी के चैनल से और फिर करते हैं वीडियो को एंड। तो देखिए, तारीफ कर रही थी, मैंने कहा कल सुंदर लग रही थी, आज भी लग रही है, रोज मैंने लगती वीडियो ना स्टार्ट ही नहीं किया था और ये बोलने में लगी हुई थी मैंने स्टार्ट करने के बाद हमेशा की तरह। तो मैं पहुँच चुकी हूँ यहाँ पे भाभी की शॉप के पास और अभी लाइव जाने वाले हैं। तो ये वीडियो तो बाद में ही आएगा। ये लाइव हम जाएंगे। साहब पीछे जो खड़े हैं ये बिल्कुल, इनको आप जानते ही होंगे, ध्यान ही नहीं देते तो ये बिल्कुल हमें भाव नहीं देते हैं। तो हमने टोपी पहन ली भाव दिया करो, प्लीज अगर वीडियो देख लो तो देख लेना, बाद में देख लेना दे दिया भाव दे दिया। हम छोटे मोटे यूट्यूबर्स को भी भाव दे दिया करें अमित शाह जी आप, क्योंकि आप बगल में बहुत भाव देते हैं, इससे ज़्यादा भाव कौन देगा। चलिए मान लेते हैं तो जब बाद में वीडियो देखेंगे ना तो पक्का हंसने वाले हैं और गाली भी पड़ सकती है। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को एंड और कल मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ। बाय बाय।